मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th एग्जामिनेशन सॉल्यूशन, जो आपका पेपर में आया था, एग्जामिनेशन में पेपर आया था, ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक, तो ये सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन था 3100 का क्या मासा क्या होगा, तो आप कह दीजिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप निकालिएगा, ठीक है। अब वो कितना आएगा आप जान लीजिए, उसका जो मान आएगा वो आएगा 3, ठीक है। फिलहाल सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत कोण समान होते हैं। सही बात है, होते हैं। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सही है। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो दोनों होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 5x² + 4 = 4 है। अब देखो यहाँ यक्स की पावर 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, आधारभूत समानुप्रायिकता समानुपातिकता प्रमेय का दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम थेल्स प्रमेय है, ठीक है। फिर देखिए, ये भी सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिसका एक कोण 90 से अधिक हो, तो इसलिए ये होगा, ठीक है। फिर देखिए, बेसिक सी चीज़ें थी, आप लोग जो है गड़बड़ कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूँगा, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें से इसका जो आंसर है, शायद एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि तू मुझे 100 दे दे तो मैं तुम्हारे धनी के 2 गुना हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो इसका एक क्वेश्चन सेट कर लीजिएगा, इसमें जो आंसर आएगा वो कोई नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई बात, क्रमशः काल्य संपत्ति तो कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आंसर है कोई नहीं था, ठीक, आपको सोल्यूशन मैं दे दूंगा। कह रहा, कोई हल नहीं होने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे संपाती होकर चलती हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हुए चलती हैं, दोनों होता है। तो अब देखो, कोई हल नहीं होता है, समझिएगा, कोई हल नहीं होता कब होता है, नहीं होता जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना काटें। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखिए, संपाती होकर चले नहीं होगा, काटते हुए चले नहीं होगा, पैरेलल होता तो आपका आंसर सही हो जाता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं। तो आप अब की बार जो पेपर बना है इसमें मोस्टली इस तरह के टेक्निकल पॉइंट है कि कोई नहीं, दोनों से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा, गणित दिवस कब मनाया जाता है, वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई नहीं पे टिक लगाया था, वो भी गलत बता रहा है। फिलहाल मैं देख लेता हूँ क्या इश्यू है। फिलहाल इसमें 22 दिसंबर होता है, जो कि ऑप्शन नहीं, इसलिए कोई नहीं होगा, ठीक। फिर आइए हम बात कर लेते हैं, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो ध्यान रखिए, अंतः कोणों का तो योग 180 होता है, लेकिन बाह्य कोण का 360। यही नहीं, त्रिभुज नहीं, जितने भी पॉलीगॉन होते हैं, अंदर के कोण तो बदल जाते हैं, उसके अंतः कोण बदल जाते हैं, लेकिन बाहर के जो कोण होते हैं वो हमेशा हमेशा 360 डिग्री होते हैं। क्लास 8 में भी है, आप लोग देख सकते हैं इसको। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। फिर आइए, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, जब कोण समान होते हैं, साथ में सारी भुजाएं भी समान हो। तो यहाँ पर एक तो सही था, लेकिन हमें एक से तो काम नहीं चलाना है, हमें साथ दोनों कंडीशन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रदीप ने, मैंने इसका सोल्यूशन आप लोग को दे दिया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसका जो आंसर आ रहा है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आगे चले, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में यदि त्रिभुज ABC हो तथा एक भुजा MN BC के समांतर हो तो अनुपात होगा। आप खुद सोचिए, फिगर मैं बना देता हूँ। जैसे मैंने ये फिगर बनाया, एक लाइन MN है, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये MN है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, AM/MB, ये तो आप पढ़े ही हो, AN/NC भी पढ़े हो, ठीक है। दूसरा क्या है, AM/AN। अब आप समझिए, मैंने यहीं पे क्रॉस कर दिया, ध्यान से देखिए, AM/MB, ठीक है, = AN/NC, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ से ये AN को मैं यहाँ ले आया हूँ, MB को वहाँ ले आया हूँ, यानी कि इसमें आंसर दोनों ही सही होगा, ठीक है। इसी तरह मैंने थोड़ा टेक्निकल बना रखा है पेपर। फिर देखिए आगे क्वेश्चन जो है यहाँ पर, अब देखिए √2 क्या है, तो आप कहोगे अपरिमेय संख्या है √2, ठीक है। अब फिर देखिए आगे, दो अंकों की संख्या, इसका भी सोल्यूशन दे दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है शायद 18 आ रहा है, ठीक है, तो मैं 18 लगा देता हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है, तो आप कहोगे परमेय है, ठीक।
यक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स का हल क्या है? जब इसको सॉल्व करोगे तो तीन दूनी छः, तीन और दो जोड़ोगे तो पाँच आएगा, तीन और दो गुणा करो छः, यानी आंसर माइनस दो माइनस तीन आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। फिर कह रहा है ये क्या है, रैखिक है, तो बिल्कुल रैखिक समीकरण है। फिर यहाँ पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, 19वां, अद्वितीय हल होने पर दोनों रेखाएँ एक दूसरे से समपाती होकर चलती है, एक दूसरे को काटते हुए चलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे को काटती हुई चलती हैं। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा अनंतता हल होने पर क्या होता है, तो समपाती होकर चलती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो भी पेपर में आए थे। अब आपको करना क्या है, मैंने दो क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है, उसको नोट कर लीजिए कॉपी पर, साथ में इसका भी सोल्यूशन आप लोग को नोट कर ले। तब तक के लिए।